नमस्कार, आप जो रहा जी 24 कलाक आपनी साथे जूही सौथी पहला वात। निसर्ग वावाझोडुं महाराष्ट्र अलीबाग में टकरायुं, जो के वावाझोडुं कमजोर पड़ता मुंबई माटे खतरो टाळ्यो छे। मुंबई में भारे वरसाद शुरू रहे तेवी शक्यता। वावाझोडानी मुंबई पालघर अलीबाग अने थाने में सौथी वधु असर देखाई। कोस्टगार्डना जवानोए पण दरिया में न जवा माटे आपी सूचना। महाराष्ट्र में एनडीआरएफनी 20 टीम तैनात कराई। भरूच जिला में दहेजना दरिया किनारे वावाझोड़ा की असर भागरूपे पवन फूंकाया। पवन की गति वधता दरिया में करंट वध्यो। वावाझोड़ा ने कारण वातावरण में पलटो आता गर्मी में आंशिक घटाड़ो। निसर्ग वावाझोड़ो महाराष्ट्र तरफ फंटाई जता भावनगर दरियो थयो शांत। वावाझोड़ो गमे त्यारे दिशा बदली शके छे, एना माटे भावनगर वहीवटी तंत्र सज्ज। दरिया किनारे रहता लोगों ने सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कराया। द्वारका दरियाकांठे पाथी 6 फूट मोजा उछळ्या। जिला तंत्र पण वावाझोड़ा असर ने पगले साबदू बनेलू छे। छोटाउदेपुर की ओरसंग नदी में नवा पानी की थई आवक। मध्यप्रदेश में थे वरसद ने कारण ओरसंग नदी में पानी वहतु थू। वावाझोड़ा असर भागरूपे छोटाउदेपुर में वरसादी माहौल। नवसारी जिला दरियाकांठे धीमो पवन फूंकायो। नवसारी दरियो हाल शांत। निसर्ग वावाझोड़ा ने लई जिला तंत्रए सावचेती भागरूपे दरियाकांठा लोगों स्थानांतर कराव्यो। निसर्ग वावाझोड़ा ने पगले सूरत पहुंची एनडीआरएफ की 2 टीम। सूरत दरियाकांठा विस्तार एटले के ओलपाड़ दांडी और पिंजरत गाम में एनडीआरएफ की टीम तैनात। एनडीआरएफ जवानों सैनिटाइजिंग साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जोड़ाशे। संभवित वावाझोड़ा की असर ने पगले आणंद खंभात में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात कराई। जिला तंत्र सतत एलर्ट मोड पर। जामनगर सहित हालरना दरियाकांठा पर निसर्ग वावाझोड़ा खतरो टळ्यो। जामनगर बेड़ी सहित तमाम बंदरों ने दरियाकांठा विस्तार पर 1000 की वधु माछीमारों बोट परत आवी खेडूतों ने पाक खुला मन राखवा कलेक्टरे करी अपील। वावाझोड़ा ने पगले वरसाद पोड़ीसू कांठा विस्तारों में पेट्रोलिंग लोगों ने घर में रहने लाउडस्पीकर में आपी छे सूचना। निसर्ग वावाझोड़ा ने पगले एनडीआरएफ की टीमें डबारी और दांडी दरिया किनारा की लीधी मुलाकात। पंजाब 7 बटालियन 46 सभ्यों की टीम ओलपाड़ तालुका कांठा विस्तार ताक मेळव्यो। निसर्ग वावाझोड़ो वधे तो बसों रोकी देवा एसटी डेपो मैनेजरे आपी सूचना। वावाझोड़ो देखाय तो बस ज्यां होय त्यां सलामत जगह रोकी देवानी सूचना अपाई। दक्षिण गुजरात तरफ जती बसों वावाझोड़ो वधशे तो रोकी देवामां आवशे। एसटी सेवा लॉकडाउन बाद 70 दिवसे शुरू थई। भावनगर घोघा बंदरे 3 नंबर सिग्नल लगावायो। अगमचेती भागरूपे सिग्नल में करायो छे फेरफार। निसर्ग वावाझोड़ा की असर पगले कच्छ में कंडला बंदरे 2 नंबर सिग्नल मुकायो। सावचेती भागरूपे कराई छे कामगीरी। कंडला बंदरे वावाझोड़ा की नहिवत असर। पोरबंदर में सावचेती भागरूपे वहीवट तंत्र एलर्ट। 2 नंबर सिग्नल लगावी देवामां आव्यो तो साथ ही जिला माछीमारों ने दरियो न खेड़वा माटे तंत्रए आपी सूचना। निसर्ग वावाझोड़ा की असर थी राज्य 31 तालुका में वरसाद। छेल्ला 24 कलाक में 31 तालुका में वरसाद पड़ो। जूनागढ़ माळिया में 2 इंच करता वधारे वरसाद। जूनागढ़ केशोद में 2 इंच, माणावदर में 1 इंच पड़े वरसाद। राज्य 10 थी वधु तालुका में 1.5 इंच थी वधु वरसाद। निसर्ग वावाझोड़ा संकट टळ्यू पर भारे वरसाद की आगाही यथावत। वलसाड, दीव, दमण, दादरा नगर हवेली, नवसारी, सूरत में भारे वरसाद की आगाही। अमदावाद, गांधीनगर में वादळछायु वातावरण। तापी जिला में निसर्ग वावाझोड़ा की वर्ताई असर। तापी जिला के केटलाक विस्तारों में पड़ो झरमर वरसाद। जिला वालोड, व्यारा सहित पंथक में पड़ो धीमी धारे वरसाद। निसर्ग वावाझोड़ा की रत्नागिरी में वर्ताई असर। रत्नागिरी में वरसादी माहौल। दनिया में भारे पवन साथ ऊंचा मोजा जोवा मळ्या। गुजरात दरियाकांठा विस्तारों में जाम्य वरसादी माहौल। वावाझोड़ा की संभवित असर ने पहुंची वळवा भावनगर दरियाकांठे 108 की एक टीम स्टेन्डबाय कर देवामां आवी। निसर्ग वावाझोड़ा ने पगले राज्य में 50,000 थी वधु लोगों करायु स्थानांतर। 126 जेटला आश्रय स्थानों में कोरोना की गाइडलाइन पालन साथ लोगों ने कराया सुरक्षित। राज्य में 15 एनडीआरएफ ने 6 एसडीआरएफ की टीमों तैनात कराई।
वापी में केमिकल सहित मोटाभागनी इंडस्ट्रीज ने बंद रखने सूचना। असरग्रस्त विस्तारों में 250 की वु सगर्भा महिलाओं ने सुरक्षित जगह खसेड़ परिस्थिति ने पहुंची वर्वा 170 मेडिकल टीमों साथ 250 की वु एम्ब्युलेंस तैयार। वलसाड में वावाजोड़ा की असर वर्ताई थी वाइंधाण वावाजोड़ा की असर वधारे वर्ताई तेम होवाथी कांठा विस्तारों में लोगों ने सलामत स्थले खसेड़ाया। आश्रे 10,000 लोगों स्थलांतर। अलीबाग ने आसपास तटीय विस्तार रहवावाड़ा 390 लोगों ने बचावाया। शाला ने शेल्टर होम में फेरवी देवाई। लोगों ने रहवा उपरांत जमवा की व्यवस्था पर करवामां आवी। वावाजोड़ा की असर ओछी थशे त्यारबाद आ लोगों ने तेमना घर में शिफ्ट कराशे। वावाजोड़ा ने कारण हवामान विभागे वरसाद की आगाही करता अरवली में घऊ और चना की टेकाना भावे खरीदी बंद। खेडूतों नो जत्थो बगड़े नहीं ते माटे यार्ड में 5 जून सुधी टेकाना भावे खरीदी बंद कराई। मोरबी मार्केट यार्ड 3 और 4 जून एम 2 दिवस बंद रहे। वावाजोड़ा की असर ने लीधे लेवायो छे निर्णय। 2 दिवस जणसी न लावा यार्ड में यार्डे खेडूतों ने करी छे जाण। वरसाद ना पगले राजकोट ना उपलेटा में खेडूतों ने नुकसान। तैयार मॉल वरसाद ने कारण खराब थी गयो। खेडूतों ने लाखों रूपया नुकसान। राजकोट में वरसाद की आगाही ना पगले राजकोट मार्केट यार्ड नो निर्णय। खेडूतों 2 दिवस जणसी न लई आवा कराई ताकीद। खेडूतों ने नुकसान न थाय ते माटे लेवायो छे निर्णय। यार्ड में शेड बनावा ग्रांट हजू न मळी होवाथी थई रही छे मुश्केली। महाराष्ट्र में निसर्ग वावाजोड़ा की असर जोवा मळी। भारे पवन ने कारण मकानों ना पतरा उड़ा। मकान ना पतरा उड़वा की घटना कैमरा में कैद। निसर्ग वावाजोड़ा की असर पालघर में। वावाजोड़ा ने पगले पालघर में थयु नुकसान। झाड़ तूटी रस्ता और लोगों मकानों पर पड़ा। पालघर में सवार थी वरसादी माहौल। मुंबई में निसर्ग वावाजोड़ा ने पगले बॉलीवुड सेलेब्स मुंबईवासियों की सलामती माटे दुआ करी। बॉलीवुड सेलेब्स चाहकों ने घर में रहवानी तथा बीएमसी ना नियमों नु पालन करवानी आपी छे खातरी। गुजरात में कोरोना कुल 17,632 पॉजिटिव केस नोंधाया। कोरोना ने कारण अत्यार सुधी 1,092 लोगों ना मृत्यु थया तो 11,894 लोगों कोरोना ने आपी महात। अमदावाद में कोरोना 279 नवा केस नोंधाया तो सूरत में 58 वडोदरा में 32 केस नोंधाया। गांधीनगर में 15 तो महसाणा में 5 केस रजिस्टर थे। भावनगर भरूच ने दाहोद में 4-4 केस। अमदावाद में कोरोना कुल 12,773 पॉजिटिव केस थे। सूरत में 1,770 केस तो वडोदरा में 1,106 भावनगर में 126 और राजकोट में 115 केस थे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ थनारा दर्दियों की संख्या वधी। देश में कोरोना ना केस 2.08 लाख ने पार। कोरोना ने कारण 5,800 की वधु लोगों ने अत्यार सुधी मृत्यु थया तो 1 लाख की वधु दर्दियों कोरोना ने आपी महात। विश्व में कोरोना 64.75 लाख की वधु केस नोंधा। कोरोना ने कारण 3.82 लाख की वधु लोगों ना मृत्यु। 30.83 लाख की वधु लोगों कोरोना ने आपी महात। अमेरिका में कोरोना वायरस का केस 18.81 लाख ने पार। 1.08 लाख की वधु दर्दियों ना कोरोना की मृत्यु। 6.45 लाख की वधु दर्दियों कोरोना ने आपी महात। वडोदरा में कोरोना ना वधु 34 पॉजिटिव केस सामे आया छे। कोरोना ना दर्दियों की संख्या वधी ने 1,152 थई। 140 सैम्पल में 34 केस पॉजिटिव आया। कोरोना थी आज वधु 34 दर्दियों साजा थया छे। अत्यार सुधी कोरोना थी 701 दर्दियों साजा थया। अत्यार सुधी कोरोना थी 45 दर्दीना मौत थया छे। वडोदरा में 140 सैम्पल में 34 केस पॉजिटिव आया छे। वडोदरा में कोरोना ना दर्दियों की संख्या वधी 1,152 थई। 140 सैम्पल में 34 पॉजिटिव केस। कोरोना थी आज वधु 34 दर्दी साजा थया। अत्यार सुधी कोरोना थी 701 दर्दी साजा थया हता। अत्यार सुधी कोरोना थी 45 दर्दियों ना मौत थया छे। माहिती साथे फोन लाइन पर जी रवि जी रीते
सतत वडोदरा में केस की संख्या वधती जई रही छे। आजना रिपोर्ट प्रमाण 140 માંથી 34 પોઝિટિવ કેસ, જે ખૂબ મોટો આંકડો। બિલકુલ જોઈ, ખૂબ જ મોટો આંકડો છે, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં એવું થતું હતું કે 150 સેમ્પલ લેવામાં આવતા હતા, તેમાંથી પણ 20 થી 22 જ કેસ પોઝિટિવ નીકળતા હતા, પરંતુ આજે 140 સેમ્પલમાંથી 34 કેસ પોઝિટિવ નીકળ્યા છે, જે ખરેખર વડોદરા માટે ચિંતાજનક બાબત છે। વડોદરામાં વધુ આજે 34 કેસ પોઝિટિવ આવે છે, જેના કારણે કોરોના વાયરસના દર્દીઓની સંખ્યા છે તે વધીને 1152 થઈ ચૂકી છે। મહત્વની વાત છે કે અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી રોજેરોજ કેસ આવી રહ્યા છે, અને જે અનલોક 1ની સ્પષ્ટ જે છૂટછાટ મળી છે તેની અસર આ કેસની સંખ્યામાં જોઈ શકાય છે। મહત્વની વાત છે કે જેટલા પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે એટલા જ આજે 34 દર્દીઓ સાજા પણ થયા છે, અને સાજા થયેલા દર્દીઓનો આંકડો પણ ખૂબ જ સારો છે। પરંતુ ચિંતાજનક બાબત એ જ છે કે વડોદરામાં સતત કોરોના વાયરસના જે કેસીસ છે તે વધી રહ્યા છે, અને તેને અટકાવવા માટે હજુ સુધી તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના જે નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તે અસરકારક સાબિત નથી થઈ રહ્યા। જોઈ બિલકુલ તમામ જાણકારી બદલ આભાર। તો વધુ એક સમાચાર, વલસાડ નગરપાલિકામાં એસીબીએ સપાટો બોલાવ્યો। વલસાડ નગરપાલિકાનો લાંચિયો કમ્પ્યુટર ઓપરેટર મનીષ સોલંકી 1000ની લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયો। ફરિયાદી વકીલ નાસિલે લગ્ન નોંધણી માટે બે અલગ અલગ અરજી કરી હતી। લગ્ન નોંધણી સર્ટિફિકેટ આપવાના બદલામાં બંને અરજીઓના રૂપિયા 1000ની લાંચની માંગ કરવામાં આવી। એસીબીની ફરિયાદ થતા ગોઠવાયેલ છટકામાં ફરિયાદી પાસેથી રૂપિયા 1000ની લાંચ લેતા એસીબીએ તેને રંગે હાથ ઝડપી લીધો। એસીબીના સપાટાને લઈ વલસાડ નગરપાલિકામાં ફફડાટ જોવા મળ્યો। વલસાડ નગરપાલિકામાં એસીબીનો સપાટો છટકું ગોઠવી કમ્પ્યુટર ઓપરેટરને ઝડપી લેવામાં આવ્યો। મનીષ સોલંકી નામનો આ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર જે લાંચ લેતા ઝડપાયો છે, 1000ની લાંચ લેતા ઝડપાયો। લગ્ન નોંધણીના સર્ટી આપવાના બદલામાં તેણે આ માંગ કરી હતી। એસીબીએ ઓપરેટરને લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યો છે। ફટાફટ નજરો ખબર પર કરીએ નજર। એનએસયુઆઈ નેતા અને પાસ પ્રવક્તા નિખિલ સવાણીને કોરોના પોઝિટિવ। નિખિલ સવાણીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે, કોરોનાના લક્ષણો દેખાતા ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો। ગાંધીનગર શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કોરોનાના કેસ વધ્યા। અનલોક 1 પછી કલોલના મોટી ભોયણ ગામમાં 8 કેસ નોંધાયા અને તંત્ર દોડતું થયું। બનાસકાંઠામાં વધુ 9 લોકોને કોરોના થયો। દિયોદરમાં 7, લાખણીમાં 1 અને ડીસામાં 1 વ્યક્તિને કોરોના। સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ। ભાવનગરમાં કોરોનાના વધુ 4 કેસ નોંધાયા છે। 2 પુરુષ અને 2 મહિલાના રિપોર્ટ આવ્યા પોઝિટિવ। ભાવનગરમાં 4 કેસ વધતા કોરોનાનો કુલ આંક 128 થયો। ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોનાના વધુ 2 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે। જ્યોતિનગર અને જંબુસર ચોકડી વિસ્તારમાંથી નોંધાયા છે કેસ। મહારાષ્ટ્રથી પરત ફરેલા લોકોના રિપોર્ટ આવ્યા પોઝિટિવ। નવસારી જિલ્લામાં કોરોનાનો કહેર યથાવત છે। મુંબઈથી આવેલા 2 વ્યક્તિઓને કોરોના રિપોર્ટ આવ્યા પોઝિટિવ। બંને વ્યક્તિઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા। રાજકોટમાં વધુ 1 કોરોનાનો કેસ નોંધાયો। માંડા ડુંગર વિસ્તારના પુરુષનો રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ, અમદાવાદથી આવ્યો હતો રાજકોટ। મુસાફરોની સલામતી માટે રેલવેના રિઝર્વેશન ફોર્મમાં કરાયા ફેરફાર। રેલવેના રિઝર્વેશન ફોર્મમાં જ્યાં ઉતરો ત્યાંનું એડ્રેસ અને મોબાઈલ નંબર લખવા પડશે। કોરોના સંકટને કારણે નાના ઉદ્યોગના નાણાં બજારમાં અટવાયા। લોકડાઉનના નાના ઉદ્યોગો માટે બન્યું આફત। 35% સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો તેમજ સ્વરોજગારી કરતા લોકોના વ્યવસાયને લાગ્યા તાળા। એઆઈએમઓના અહેવાલમાં થયો છે ખુલાસો। લોકડાઉન બાદ હેન્ડીક્રાફ્ટ સેક્ટરમાં 40 લાખ લોકોને મળ્યો છે રોજગાર। 200 જેટલા હેન્ડક્રાફ્ટ નિકાસ કરનારા એકમોએ ફેશન ફેસ માસ્કનું ઉત્પાદન અને નિકાસ કર્યા શરૂ। ઈપીસીએચના ડિરેક્ટરનું નિવેદન। વડોદરામાં કોરોનાને કારણે જન સુવિધા કેન્દ્રના કામકાજમાં આવ્યો બદલાવ। નાગરિકોને ઘરે બેઠા ડોક્યુમેન્ટ મળી જાય તેવી ઓનલાઈન વ્યવસ્થા ઉભી કરાઈ। રાશન કાર્ડ, આવક અને જાતિનો દાખલો પણ ઓનલાઈન મેળવી શકાશે। અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં ફૂટપાથ પર કરવામાં આવ્યો કોરોના ટેસ્ટ।
मेडिलिंक होस्पिटल सामे रहेला बाकड़ा बन्या कोरोना टेस्ट नुं सेंटर। फूटपाथ पर कोरोना टेस्ट कराते होय तेवो वीडियो थयो वायरल। फूटपाथ पर दर्दियों ने बुलावी कौन करी रह्यो छे कोरोना टेस्ट? स्वास्थ्यकर्मी अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन ना छे के खानगी टेस्ट करती लेबोरेटरी ना? जे स्थळे थी सैम्पल लेवाय शुं ते जग्या सेनेटाइज करावाई हती खरी? अमदावाद सहित अन्य शहरों में कोरोना ने पगले करियाणा की ऑनलाइन खरीदी वधी। ग्रोफर्स बिग बास्केट पर 62% लोग जोड़ाया। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म अनुसार मेट्रो करता नाना शहरों ग्राहकों ऑनलाइन खरीदी वधु करी। बाळकों अने टीनेजर्स मानसिक आरोग्य पर लॉकडाउन की असरो लांबो समय रहेशे। युवाओं तनाव और एकलता थी घेरायेला छे जेने दूर थता समय लागशे। इंग्लैंड की बाथ यूनिवर्सिटी संशोधकों तारण। कोरोना ने कारण स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी वधी शके छे उपयोग। स्टेडियम में फैन्स की एंट्री पर प्रतिबंध। ज्यां सुधी वैक्सीन नहीं बने त्यां सुधी फैन्स ने मोटी संख्या में स्टेडियम में एंट्री आपवा मुद्दे अनिश्चितता। पावागढ़ मंदिर ट्रस्ट नो मंदिर शुरू करने बाबते मोटो खुलासो। आगामी 20 जून सुधी नहीं खुले निज मंदिर। भक्तों में मां काली ना दर्शन माटे जोवी पड़शे राह। मंदिर नवनिर्माण कार्य चालू होवाथी लेवायो छे निर्णय। 70 दिवस बाद दिल्ली में सलून धमधमता थया। कोरोना की गाइडलाइन नु रखाव ध्यान। अनेक प्रकार फेरफार साथ सलून में कामगिरी शुरू कराई। कोरोना संकट वच्चे बाबा बर्फानी ना दर्शन। यात्रा पहला बाबा बर्फानी ना करो दर्शन। आ वर्षे कोरोना संकट के कारण यात्रा मोड़ी शुरू थशे। फ्रांस में लॉकडाउन खुल्या बाद लोग रेस्टोरेंट और काफे में पहुंचा। फ्रेंच रेस्टोरेंट और काफे में उजवणी ना दृश्य जोवा मळ्या। लोगों में आनंद की लागणी छवाई। यूएई की राजधानी अबुधाबी में एंट्री माटे परमिट जरूरी। विविध एंट्रेंस पर 12 चेकपॉइंट बनावाया। E11 हाईवे स्थित जेबल अली टोल गेट पर सैकड़ों कार अटवाता वाहनों की लंबी लाइन। जापान में जीकू प्रांत में नगारा नदी कांठो आतिशबाजी जड़हरी उठ्यो। आतिशबाजी एवं स्थलों कराई जब भीड़ एकठी न थी सके। कोरोना की हताश लोगों ने खुश करने कोरोना वॉरियर्स सन्मान करने करायु आयोजन। ब्राजील ना साओ पाउलो ना एक नर्सिंग होम में हैंगिंग कर्टेन मुकायु। दर्दियों तेमना परिवारजनों ने मिली शके ते माटे हैंगिंग कर्टेन मुकायु। नर्सिंग होम की आ नवतर पहल दर्दियों ने तेमना परिवारजनों माटे आशीर्वाद रूप बनी। लॉकडाउन बाद खिलाड़ियों वर्ल्ड चैम्पियनशिप माटे की तैयारियों में व्यस्त। जुनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 16-21 ऑगस्ट सुधी काहिरा में रमाशे। कोरोना की सारवार में एंटीबायोटिक दवाओं वधारे पड़ता उपयोग थी घातक बैक्टेरिया की प्रतिरोधक क्षमता वधे छे। एंटीबायोटिक नु वधु सेवन जिबलेंट डब्ल्यूएचओ ए आप्यु छे निवेदन। ब्रिटेन में सरकार की मंजूरी छता ब्रिटेन में मोटा भाग की प्राथमिक शालाओं न खुली। प्रथम दिवसे जनेक शालाओं रही बंद। 50% वालीए कोरोना फैलावाना डर थी बाळकोने शालाए मोकल्या नहीं। लॉकडाउन बाद विदेश में साइकिल वेचाण वध्यु। साइकिल की मांग वच्चे कार चलावनार संख्या घटी। इटाली में साइकिल खरीदवा पर सरकार आपे 60% सबसिडी। यूरोप थी मांडी अमेरिका ब्रिटेन में पर साइकिल उपयोग वध्यो। लॉकडाउन में शूट थे अक्षरी शॉर्ट फिल्म थी रिलीज। पीआईबी ना ट्विटर अकाउंट की जाहरात नो वीडियो करो शेयर। एक्टर आत्मनिर्भर बनवा की बात करी काम पर केवी रीते जवू ते वीडियो में समझाव्यू। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में खेडूतों माटे लेवायो महत्वनो निर्णय। खेडूतों देश में कोईपण स्थले पाकनु वेचाण करी शकशे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधारो करायो। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अध्यक्षता ने सोशल डिस्टन्स साथ कैबिनेट बैठक योजाई। कैबिनेट में हाजरी आपता तमाम मंत्रियों ने अधिकारियों मास्क पहरी पहुंचा था। नर्मदा हॉल में पहली बार कैबिनेट बैठक मिली। कैबिनेट की बैठक बाद नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल निवेदन। राज्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कराई साथ ही वावाजोड़ा की स्थिति अंगे पर चर्चा। रोकाईशु हाल एक ब्रेक माटे। हाथी अने बाकी नी अनोखी दोस्ती वायरल।
क्वारंटाइन सेंटर में कुंभकर्ण नो वीडियो वायरल। जब से मिले डांस मस्ती अने धमाल ना वीडियो वायरल। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, यूं ही अकड़ती है लड़की कड़क है। जी 24 कलाक पर जुओ वायरल खबर आज रात्रि 8:25। निसर्ग वावाजोड़ाए मुंबई में केवो मचाव्यो कहर। वावाजोड़ा ने केवी रीते आपवामां आवे छे नाम। वावाजोड़ाथी गुजरातनी कोण करे छे रक्षा। जी 24 कलाक पर जुओ एडिटर्स पॉइंट आज रात्रे 8:55। શંકરસિંહ વાઘેલા આવતીકાલે કરશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ। ગુજરાત પ્રદેશ એનસીપીના પ્રમુખ પદેથી દૂર કરાયા બાદ કરી શકે છે ખુલાસા। એનસીપીથી નારાજ હોવાના અને પાર્ટી છોડવા અંગેના અહેવાલ અંગે કરશે ખુલાસા। કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય સોમા ગાંડા પટેલ સ્વાણી સંકુલ પહોંચ્યા। સોમા ગાંડા પટેલ રાજ્યસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાંથી આપી ચૂક્યા છે રાજીનામું। કોંગ્રેસના 3 ધારાસભ્ય સ્વાણી સંકુલ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલને મળવા માટે પહોંચ્યા। विधानसभा विरोध पक्ष नेता परेश धानाणी मुख्यमंत्री ने लख्य पत्र। एसआरपी जवानों की दर 3 मासे थती बदलीओ बंद करवा करी रजूआत। वडोदरा में कांग्रेस नेता निलेश ब्रह्मभट्टे फेंक्यो भाजप ने पड़कार। कहू पालिका एडवांस फेरो भरी सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट करो। राज्य सरकार गृह विभाग तथा सामान्य वहीवट विभागे सरकारी कचेरी कामकाज शुरू करने आप सूचन। गुजरात तमाम आरटीओ गुरुवार शुरू थे। सोशल डिस्टन्स जलवाय रखाए કાળજી લેવાય। જૂનાગઢમાં ખેડૂતોએ કર્યા વાવણીના શ્રીગણેશ। વાવણી લાયક વરસાદ પડતા ખેડૂતોએ સારા પાકની આશા વ્યક્ત કરી। વર્ષો બાદ સારા વરસાદનું શુકન થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી। અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોએ વાવણીની કરી શરૂઆત। વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી। જિલ્લામાં મોટાભાગે કપાસ ને મગફળીનું વાવેતર। અરવલ્લીની જળસંચય યોજનામાં ભ્રષ્ટાચાર। પૂર્વ ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલાએ મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર। વિજિલન્સ તપાસ માંગ કરે। અરવલ્લીના મોડાસાની માઝુમ નદીથી અશુદ્ધ 25 થી વધુ ટ્રેક્ટર ભરી કચરો માઝુમ નદીમાં ઠલવાયો। કાશી વિશ્વનાથ મંદિર બાજુમાં નદીમાં કચરાના ઢગલા કરાયા। પાટણ જિલ્લાના ખેડૂતોને ચણાના ટેકાના ભાવે લઈને વિરોધ યથાવત। સમી સંખેશ્વરના ખેડૂતોએ ત્રીજા દિવસે પણ હરાજી કરાવી છે બંધ। વડોદરામાં કોરોના વચ્ચે કોંગ્રેસ વિરોધ પ્રદર્શન। રેસકોર્સ સર્કલ ખાતે આવેલ જીબીએ કચેરી બહાર કર વિરોધ। એમજીપીસીએલના એમડીને આવેદનપત્ર આપી 3 માસના ઘર અને કમર્શિયલ વીજબિલ માફ કરવાની માંગ। પ્લેકાર્ડ બેનર સાથે કર્યો છે વિરોધ। નર્મદામાં 6 ગામના કેવડિયાના ફેન્સિંગ મુદ્દે આદિવાસીઓ ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાને ફોન પર અપશબ્દ બોલી આપી ધમકી। સાંસદે પણ સામે જવાબ આપ્યા। મનસુખ વસાવાએ કરી છે ફરિયાદ। નર્મદામાં કેવડિયાના 6 ગામમાં ફેન્સિંગ મુદ્દો ગરમાયો। એમએલએ છોટુભાઈ વસાવા અને મહેશભાઈ વસાવાએ પીએમને કરી ફરિયાદ। સરકારના અત્યાચાર સામે બીટીપી નારાજ। આણંદના મોગરની વ્રજભૂમિ ઇન્ટરનેશનલ શાળામાં વાલીઓનો હોબાળો। લોકડાઉન દરમિયાન ફરજિયાત ફી ભરવા આદેશ કરતા વાલીઓમાં રોષ। ફૂડ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટની ફીની પણ શાળાએ કરી માંગ। વાલીઓ ફી નહીં ભરે તો એડમિશન રદ કરવાની શાળા સંચાલકોની ચીમકી। અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનમાં પ્લેટફોર્મ નંબર 12 પર 21 વર્ષના યુવકની હત્યા। અંગત અદાવતમાં છરીના ઘા મારી કરાઈ હત્યા। પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી હાથ ધરી તપાસ। વડોદરામાં લોકડાઉન હળવું થતા બુટલેગરો સક્રિય। ગોલ્ડન ચોકડી પાસેથી કારમાં ઝડપાયો 1.88 લાખનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો। પોલીસે કુલ 8,43,000નો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 આરોપીઓની કરી ધરપકડ।
મહેસાણાના ચિત્રોડીપુરા ગામની સીમા મહેસાણા એલસીબીએ દેશી દારૂની ભઠ્ઠીઓ પર કરી રેડ. રેડ દરમિયાન 7000 લીટર દેશી દારૂના વોશ ભરેલા 24 બેરલ જપ્ત કરાયા. દેશી દારૂ બનાવતા 6 શખ્સ રેડ દરમિયાન ફરાર. અરવલ્લીમાં દારૂ ઘુસાડવા બુટલેગરોનું અનોખું કિમિયો. ડમ્પરમાં બિલ્ડિંગ મટીરિયલની આડમાં દારૂ ઘુસાડવાની કોશિશ. મેઘરાજ પાસેથી 13.82 લાખનો દારૂ ઝડપાયો છે. ઉડવા બોર્ડર પાસેથી 288 પેટી દારૂને કબજે કરાવ્યો છે. પોલીસે બે આરોપીઓની કરી અટકાયત. જામનગરમાં દુકાનદાર પર 3 શખ્સોનો હુમલો. વેપારીને માર મારવાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. શહેરના ગ્રેન માર્કેટ વિસ્તારમાં બની ઘટના. રોકાય તો આ સાથે જ બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.